योग व आयुर्वेद की धरती भारत में आधुनिक विज्ञान के समायोजन से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने की अद्भुत क्षमता का विकास हुआ है। पेट स्कैन व लीनियर एक्सेलरेटर जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज भारत में 50 से भी अधिक अस्पतालों में उपलब्ध है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, नानावती हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, मेदांता और पारस हॉस्पिटल जैसे संस्थानों में विश्वविख्यात डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर अरुण सरोहा, डॉक्टर हरित चतुर्वेदी, डॉक्टर मानस कालरा, डॉक्टर विनोद रैना, डॉक्टर रमा जोशी, डॉक्टर राणा पातेर, डॉक्टर विकास दुआ, डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर सुरेश अडवाणी और डॉक्टर जे एस विर्क जैसे डॉक्टर्स ने कैंसर के इलाज में भारत को दुनिया के अग्रणी देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। टॉकिंग अबाउट जायंट सेल ट्यूमर्स या जिसे हम आम भाषा में GCT एब्रीवेटेड फॉर्म में कहते हैं, सो GCT एक थोड़ा कॉमन बोन ट्यूमर है जो यूजुअली मैच्योर स्केलेटन में देखा जाता है। मैच्योर स्केलेटन से आई मीन की विच इज यूजुअली सीन वंस योर ग्रोथ हैज स्टॉप्ड या आपकी हाइट जो अटेन करनी है एक पर्सन ने दैट हैज स्टॉप्ड, देन यूजुअली दीज ट्यूमर्स आर सीन कॉमनली इन द एज ग्रुप ऑफ अबाउट 20 to 45 years। सो ये एक बिनाइन एग्रेसिव ट्यूमर कहा जाता है। बिनाइन का ये मतलब है कि इसका शरीर में कहीं फैलने का कोई चांस नहीं होता लाइक मेलिग्नेंट ट्यूमर्स या लाइक कैंसर्स। एग्रेसिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि इसकी हम प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें, इफ इट इज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, इट कैन रिकर अगेन एंड अगेन, वो उसी स्थान पर दोबारा आ सकता है। सो GCT की प्रॉपर ट्रीटमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टॉकिंग अबाउट द लोकेशंस या साइट जहां पर जायंट सेल ट्यूमर आम देखा जाता है, सो घुटने के पास इट इज वेरी कॉमन, लाइक पट की हड्डी के नीचे वाले हिस्से में या टांग की जो हमारी मेन हड्डी होती है जिसे हम टिबिया कहते हैं या मोटी हड्डी जिसे कहते हैं उसके ऊपर वाले हिस्से में देखा जाता है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारी बाजू के ऊपर वाले हिस्से में या प्रॉक्सिमल ह्यूमरस में देखा जा सकता है। हमारी रिस्ट या लोअर पार्ट ऑफ द फोरआर्म जिसे हम डिस्टल रेडियस कहते हैं वहां पर भी देखा जा सकता है। सो डूइंग प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर GCT इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ एग्रेसिव ट्यूमर या इसके रिकरेंस होने के चांसेस आर ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ अबाउट 20 to 30, इन सम केसेस इवन 40%। सो एक्सरेज, CT, MRI आर द यूजुअल इन्वेस्टिगेशंस बाय व्हिच अ जायंट सेल ट्यूमर या GCT को डायग्नोज किया जाता है। टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट ऑप्शंस इन GCT, इफ इट इज डायग्नोस्ड एट अ अर्ली ग्रेड, इसका मतलब ये है कि यदि वो ट्यूमर अगर हड्डी की बाउंड्रीज के अंदर ही है तो यूजुअली वी कैन डू अ एक्सटेंडेड क्यूरेटाज एंड रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटेंडेड क्यूरेटाज का मुझे अगर मैं आम भाषा में बताऊं तो इसका ये मतलब है कि उसकी हम सफाई कर देते हैं, बट उसके अंदर काफ़ी टेक्निक्स हम एम्प्लॉय करते हैं टू इंश्योर कि ये ट्यूमर दोबारा ना हो। सो इसके अंदर यूजिंग अ हाई स्पीड बर विच इज अवेलेबल एट वेरी फ्यू सेंटर्स, यूजिंग आर्गन बीम लेजर, using liquid nitrogen, using various methods to extend the boundaries of our curettage, या हमें जो हमने सफाई की है वो एक बड़ी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए to ensure कि वो ट्यूमर दोबारा ना आए। सो वंस हमने एक बार उसकी क्यूरेटाज या सफाई कर दी होती है ऑफ द बोन, देन वी हैव टू फिल अप दैट कैविटी। यूजली वी एम्प्लॉय बोन सीमेंट nowadays to fill that cavity. Continuing with treatment of GCT, sometimes हम GCT या जॉइंट सेल ट्यूमर को बड़ी एडवांस्ड ग्रेड में डायग्नोज करते हैं या पेशेंट्स हमारे पास अनेक प्रकार काफ़ी लेट स्टेज या ग्रेड में आते हैं। सो इन सच सिचुएशन यूजली जो बोन ट्यूमर होता है वो आसपास की मांसपेशियों में काफ़ी फैल गया होता है या उसमें काफ़ी बड़ा साइज जो है अज्यूम कर लिया होता है। सो इन दो सिचुएशंस मैनी अ टाइम्स वी हैव टू रिसेक्ट दैट बोन, हमें मतलब वो हड्डी निकालनी पड़ती है एंड वी हैव टू रिप्लेस द जॉइंट बिकॉज यूजली जो जॉइंट सेल ट्यूमर है ये एंड्स लॉन्ग बोन्स के एंड्स में या जॉइंट के पास होता है। सो मैनी अ टाइम्स वी हैव टू रिप्लेस दैट जॉइंट विद अ ट्यूमर प्रोस्थेसिस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जैसे ही आपको कुछ सिम्टम्स शुरू होते हैं, स्पेशली पेन अराउंड द जॉइंट रीजन इन अ यंग पर्सन जो कि बहुत अनकॉमन है, बुजुर्गों में जॉइंट पेन होना, दोनों घुटनों में
या दोनों कुल्लों की हड्डी में इज वेरी कॉमन, बट इन अ यंग पर्सन वही अगर पेन खासकर की सिर्फ एक ही टांग में हो रही है एंड इट इज गोइंग ऑन फॉर मेनी डेज और वीक्स, दवाई लेने पे सेटल नहीं हो रहा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द डॉक्टर एट द अर्लीस्ट. समटाइम्स जायंट सेल ट्यूमर है, कुछ ऐसी लोकेशंस में डायग्नोज किया जाता है, खासकर रीढ़ की हड्डी में या हमारी सेक्रम बोन जिसे हम कहते हैं, रीढ़ का जो नीचे वाली हिस्सा होता है, समटाइम्स सर्जरी इज नॉट फीसेबल. सो इन दोज कंडीशंस दे आर मेनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस लाइक एंजियोएम्बोलाइजेशन, मेडिकल थेरेपी विद ड्रग नोन एज डेनोसुमैब, या रेडिएशन थेरेपी भी इसमें की जाती है, क्योंकि अगर यदि हम इसमें सर्जरी करते हैं तो इट इज़ वेरी मॉर्बिड, मतलब पेशेंट को सर्जरी के बाद बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. सो यूजली इन सच लोकेशंस जहाँ पर सर्जरी इज वेरी डिफिकल्ट और इट विल कॉज लॉट ऑफ ट्रबल टू द पेशेंट आफ्टर द सर्जरी, वी यूजली मैनेज इट विद नॉन सर्जिकल ऑप्शंस.